खरगोन जिले के नवागत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला अस्पताल का पहला दौरा किया। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्टर अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण की शुरुआत सोनोग्राफी कक्ष से की। यहां सोनोग्राफी व्यवस्था पर चर्चा कर बाहर लगी भीड़ देख मरीजों से चर्चा की। चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के अंदर मेडिकल वार्ड, ICU, मैटरनिटी सिटी स्कैन आदि वार्डों व साफ सफाई का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्ट नजर आए, लेकिन साफ सफाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने सिविल सर्जन CMHO को दीवारों के रंग रोगन और नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। पैथोलॉजी में सैंपल लेने और रिपोर्ट देने की प्रक्रिया में भी समय प्रबंधन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेडिकल हड्डी वार्ड, मेडिकल वार्ड में वहां उपस्थित मरीजों एवं उनके परिजनों से सहज रूप से चर्चा की। उन्होंने पूछा कि समय पर उपचार मिल रहा, दवाई या जांचों के रुपए तो नहीं ले रहे। मेडिकल अस्पताल व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। डायलिसिस वार्ड में मरीजों ने मशीनों के बार बार खराब होने पर आ रही समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मशीनें बढ़ाने एवं रख रखाव व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। तो ये जिला अस्पताल शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं से एक है। लोगों को बेहतरीन फ्री इलाज मिले, शासन का पूरा प्रयास रहता है और प्रशासन का भी ये प्रयास है। आज जिला अस्पताल का डिटेल निरीक्षण किया हुआ है, सारी व्यवस्था को देखा गया है। ओवरऑल व्यवस्था बहुत अच्छी है, जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है हम लोग आगे करेंगे। सर, सोनोग्राफी को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती है। सोनोग्राफी का एक और वो बेस्टी वगैरह पर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए क्या प्रयास किया? उसका जो भी है अभी हम लोग बात करेंगे, CMHO से बात करते हैं और जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो करेंगे। हाँ, आज मैंने जिला स्तर का निरीक्षण किया है और महिला वार्ड और जिला स्तर पूरा दिखा है। इसको लेकर के व्यवस्थाएं काफी ठीक ठाक है, इसमें कुछ कमी होगी तो हम लोग देख रहे हैं और वो दुरुस्त किया जाएगा। वो सब चीज देख रहे हैं, जहाँ जहाँ क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है देख करके और उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।